ये बात बड़ी फैक्ट है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गठबंधन गांव में बड़े जबरदस्त तरीके से जीता, शहरों में कंपैरेटिवली थोड़ी सी वोट कम मिली, और कुरुक्षेत्र के अंदर भी कारण यही रहा। कुरुक्षेत्र के अंदर दो बड़े शहर कैथल और कुरुक्षेत्र और जितने छोटे शहर थे वहां में कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम वोट मिली और हर गांव के अंदर हम जीते। उसका एक बेसिक कारण भी था कि 400 पार से कभी मीडिया ने नीचे दिखाया ही नहीं। वहां शहर का व्यक्ति वो एक जो प्रचार हो रहा था 400 पार का टीवी और न्यूज़पेपर के माध्यम से, उसके बीच में कहीं उलझा रहा, परंतु गांव का व्यक्ति जो थोड़ा सा मीडिया से दूर भी है और जीवन की जो हकीकत है उसको भुगत रहा है, उसके पास संसाधनों का अभाव है, उनके बच्चों के पास नौकरियां नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, महंगाई से परेशान है, किसान को MSP नहीं मिल रही, तो वो सब जो परिवर्तन चाहते थे वो इंडिया गठबंधन के साथ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मगर मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी सच्चाई दिखाई गई होती जो सामने आई है तो रिजल्ट कुछ और होता है, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। सर, अभी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम हरियाणा में सक्षम है, आप मुझे बताएं उनके पास और क्या जवाब है। हम भी सक्षम है, वो भी सक्षम है। सक्षम तो हर पार्टी का नेता अपने आप को सक्षम कहेगा। बिल्कुल तैयारी भी कर रहे थे, हमारा जन संवाद आम आदमी पार्टी किसी अन्य पार्टी से देखिए, आम आदमी पार्टी हरियाणा इकाई 90 के 90 विधानसभा पे हर बूथ पे तैयारी कर रही है, हर बूथ को मजबूत कर रही है। 5200 से अधिक गांव में 30 जून से हमने जन संवाद यात्रा शुरू की, 5200 से अधिक गांव और शहर के वार्ड में हम पहुंच चुके हैं और एक सप्ताह के अंदर हर बूथ पे पहुंच जाएंगे। पंजाब के और दिल्ली के काम हम बता रहे हैं जो हमने किए, हरियाणा की परेशानियां हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बतौर अध्यक्ष मेरा दायित्व भी बनता है कि मैं 90 के 90 सीटों पर तैयारी करवाऊं और हर बूथ को मजबूत करूं। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है किसी को नहीं पता, परंतु आज हम अकेले पूरी तैयारी कर रहे हैं और अपने आप में पूरे सक्षम। एक चर्चा गुप्ता जी ये भी बात होती है कि आम आदमी पार्टी के आप जितना जो भी नेटवर्क है हरियाणा में जितने लोग हैं वो सारे कुरुक्षेत्र में कैंपेन में लगे रहे, कांग्रेस के लोगों ने तो कुरुक्षेत्र में प्रचार किया, आपके साथ खड़े हुए हुड्डा साहब ने भी रैली की, सुजलारा ने कार्यक्रम किए, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं नहीं गए प्रचार करने। मैं रोहतक गया, संजय सिंह जी गुड़गांव गए, हमारे सारे लीडर अलग अलग जगह पे गए प्रचार किया, और यहां से भी जब भी मैंने मीटिंग की मैंने हर कार्यकर्ता को संदेश दिया बतौर अध्यक्ष कि हमने इंडिया गठबंधन के धर्म को निभाना है और जहां पे भी जो भी इंडिया गठबंधन का साथी खड़ा है उसको वोट डालनी है, उसकी मदद करनी है, और ये हमने किया, और इसको इंडिया गठबंधन के जीते हुए लोग रिकॉग्नाइज भी करते हैं। लेकिन हम अन्य पार्टियों से भी जो हमारी समान विचारधारा की है उनसे गठबंधन करने के लिए ओपन है, उसमें एक पत्रकार ने आम आदमी पार्टी का भी स्वागत किया, उन्होंने कहा हम इनसे भी वार्ता के लिए तैयार हैं।
क्या आम आदमी पार्टी फाइनली और बसपा के गठबंधन की जो गठबंधन का बना उसके साथ बातचीत के लिए तैयार है? देखिए इन लोग बीएसपी और जेजेपी ये तीनों पार्टियां हरियाणा में अपना आधार खो चुकी हैं। हरियाणा के वोटर अब इनके साथ नहीं है। इन तीनों पार्टियों ने 30 कैंडिडेट खड़े किए और इन 30 कैंडिडेटों ने मिलकर हमारी एक सीट से लाखों वोट कम लिए, तो इनको इनकी हकीकत का मालूम है कि ये कहां खड़े। तो आपके हिसाब से तीनों पार्टियों से कोई बातचीत नहीं होगी? मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, बाकी तो हाईकमांड की मर्जी।